Yes, good morning students. So today we are going to start our next chapter, chapter number 7, poverty. Okay, so this is our lecture number 1 and today our topic is what is poverty and who are the poor. ठीक है, पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है और किसे हम इन्हें हम क्या कहते हैं, पुअर कहते हैं. तो ये सब हम स्टडी करेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट. So what is poverty and who are the poor? So poverty is the inability to fulfill the basic requirement of the life, and the minimum requirements include food, clothing, housing, education and health facilities. So poverty के अंदर हम actually क्या लेते हैं, poverty क्या होती है कि जहाँ पर हमारी क्या होती है, कुछ requirements होती हैं अपनी life को जीने के लिए. So अगर हम उन requirement जो हमारी necessities हैं, अगर हम उनको भी fulfill करने में क्या नहीं होते, able नहीं होते हैं, तो हम किस में आएंगे, poverty में आ जाते हैं. So आज के यानी कि it means कि the inability of an individual to fulfill the basic requirement or necessities of their life, like food, clothing, shelter, education and health facilities. So वैसे पहले ना starting में तो ना हम लोग तीन ही चीजें लेते थे. बताओगे कौन कौन सी requirement में? Food, clothing and shelter. हम ये कहते हैं ना, एक इंसान को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान. Yes students, so हमारे पास क्या है, फूड. पहले हम क्या कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, है ना. हमारी एक मूवी भी बनी थी पहले, मूवी भी बनी थी जिसके अंदर क्या था कि रोटी, कपड़ा और मकान आप जो थे सिर्फ वही चीजें को क्या मानते थे, रिक्वायरमेंट मानते थे. तो इसीलिए रोटी, कपड़ा और मकान एक मूवी भी बनी हुई है हिंदी में. सो यहाँ पर हमारे पास, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इस फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर के साथ साथ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इसको भी हम इसमें ऐड करते हैं. इन्हें भी हम अपने आज के टाइम के नेसेसिटी समझते हैं, एजुकेशन को एंड हेल्थ फैसिलिटीज को. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, अगर इन जो ये मिनिमम नीड्स है हमारी, अगर ये भी फुलफिल नहीं होती है, सो मैन अंडरगोस पेन एंड सफरिंग एंड देयर इज लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज रेंडर हिम हेल्पलेस टू इन ऑल वर्क्स इन वर्क ऑफ लाइफ. मतलब कि जो वो अपनी लाइफ को चला ही नहीं पाएगा अगर ये सब चीजें उसे ना मिले. क्योंकि अगर मान लो उसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, मान लो फूड नहीं मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा उसके अंदर. और अगर इंसान क्या होता है, सिकनेस हो जाए, उसको बीमार हो जाए, उसकी हेल्थ अच्छी ना रहे, तो वो अपने जो उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, वो उतना एबल भी नहीं हो पाएगा काम करने के लिए. जब वो एबल ही नहीं होगा वर्क करने के लिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो पॉवर्टी के अंदर आ जाएगा. क्लियर? सो ऑल दोज पर्सन्स हु आर इनकैपेबल टू फुलफिल दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड एज पुअर. सो दे टुक बर्थ इन पॉवर्टी, lives in poverty, grow in poverty and someday dies in poverty. ऐसे लोग जो होते हैं वो गरीबी में ही पैदा होते हैं, ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी में ही जी रहे हैं, जीते हैं, ये पॉवर्टी में ही ये ग्रो करते हैं और एक टाइम आता है कि ये पॉवर्टी में ही मर जाते हैं, ठीक है, इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं. सो ये जो है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही लिव्स इन पॉवर्टी, ग्रो इन पॉवर्टी एंड डाइज इन पॉवर्टी. पॉवर्टी ब्रीड्स और मल्टीप्लाइज इटसेल्फ. क्लियर? व्हाट इज पॉवर्टी? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो नेक्स्ट इज, यस, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ये जो टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है. कई बार वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी पूछ लेता है या रिलेटिव पॉवर्टी, या दोनों का बीच का डिफरेंस भी आ जाता है. तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड हाउ आर द पुअर आइडेंटिफाइड. सो रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी आर द टू वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी. सो यहाँ पर हम दोनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे दोनों को. सो फर्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में अगर हम देखें तो क्या होती है रिलेटिव पॉवर्टी.
रिलेटिव पॉवर्टी को अगर आप समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स पेपर में क्या करते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाए तो एब्सोल्यूट में रिलेटिव का और रिलेटिव में एब्सोल्यूट का लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, रिलेट करना, ठीक है। आप इसको एक बस लर्न करने के उससे कि हमें क्या लिखना है उसके अंदर माइंड में रखने से, रिलेटिव क्या होता है, रिलेशन रिलेट करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो आपका कोई भी रीजन है, स्टेट है, मतलब स्टेट टू स्टेट या रीजन या कोई प्लेस, उसके अकॉर्डिंग जो है पॉवर्टी वेरी करती है, यानी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, क्योंकि किसी रीजन में किसी तरीके से पॉवर्टी होती है और किसी और प्लेस पर किसी और स्टेट के अंदर कैसे किसी तरीके से। जैसे मान लो अब आपके पास एक स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट के अंदर क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो पर्सन जो वहां पर लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन जो जितनी भी रह रही है उस स्टेट के अंदर, उस स्टेट में क्या होगा कि उस स्टेट में मान लो कोई भी पर्सन है, अगर वो दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है, कंपैरेटिवली कम कमा रहा है, कम अर्निंग कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, वो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आ जाता है। ऐसे ही मान लो कोई और रीजन में किसी और स्टेट में लेते हैं, तो वहां पर उनके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो जब उनका आपस में जो उनका लिविंग स्टाइल है उसको कंपेरिजन करें तो वहां पर आ जाता है। ऐसे ही हम कंट्री टू कंट्री भी क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं ना, कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ देखें कि एक कंट्री में कितनी अर्निंग हो रही है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, या दूसरी कंट्री की कितनी पर कैपिटा इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन होता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। क्लियर है रिलेटिव पॉवर्टी? सो रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी इन रिगार्ड टू डिफरेंस इन क्लास, रीजंस और कंट्रीज, ओके। एंड अ पर्सन हु इज हैविंग लो लेवल ऑफ इनकम एज कंपेयर टू अदर्स इन सेम क्लास, रीजन और कंट्री इज ट्रीटेड एज रिलेटिव पुअर। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस, अंडरस्टूड? सो दिस पॉवर्टी मे बी अ रीजन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और ये जो पॉवर्टी है ये क्या हो सकती है, किसका कारण हो सकती है, इनइक्वालिटी, इनकम में इनइक्वालिटी का कारण भी हो सकती है ना, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर हम एक रीजन की बात कर रहे हैं उसके अंदर हम कंपेरिजन करें लोगों का, अगर उनके क्या है, अगर उनका जो अर्निंग स्टाइल है, जो उनका लिविंग स्टाइल है, अगर उसमें ही डिफरेंस है उनकी, तो क्या हुआ उसमें रिलेटिव पॉवर्टी में आएगा, जो उससे कम कमा रहा होगा। तो एक तरीके से ये एक तरीके से किस वजह से हो सकता है, इनकम की इनइक्वालिटी के कारण हो सकता है, ठीक है। किसी के पास कम इनकम है, किसी के पास ज्यादा इनकम है, जिसके पास ज्यादा हो गई वो ज्यादा मतलब क्या होगा, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका हाई होगा, जिसके पास कम है वो उस हिसाब से कमा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपैरिजन, हम रीजन टू रीजन कंपैरिजन भी कर लेते हैं, हम स्टेट टू स्टेट कंपैरिजन भी कर सकते हैं, हम कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन भी करते हैं। क्लियर सबको? सो रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, In India, share in the national income of 20% of people at the bottom is barely 8.1%, while that of 20% of people at the top is 45.3%. आप देखिए यहाँ पर आप आपको एक डाटा दिया गया है, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर है कि हम ये अगर हम इनकम की इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बॉटम पर बात करें तो बॉटम पर 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि जिसको सिर्फ इनकम का 8.1% मिल रहा है, और अगर हम टॉप पर देखें तो टॉप पर 20% जो पीपल हैं उनको कितना मिल रहा है, 45.3%। तो यहीं से इनइक्वालिटी शो हो रही है कि कैसे इनकम की इनइक्वालिटी की वजह से जो है इस तरह से की रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो रेज होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आप यहाँ पर क्या है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है जो एक्चुअल में पुअर है। रिलेटिव में आप ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह रहे हैं रिलेटिव के अंदर कि वो एक्चुअल में वो वाकई ही पुअर होंगे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें कि एक की इनकम ज्यादा है दूसरे की कम है, तो कंपैरेटिवली वो उसके क्या है, रिलेटिवली वो पुअर है। क्लियर है सबको? तो वहां पर वो एक्चुअल में, ये नहीं है कि एक्चुअल में वो पुअर हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी पुअर होते हैं, एब्सोल्यूट पुअर कौन होते हैं, जो एक्चुअल में पुअर होते हैं, जिनकी एक्चुअली में इतनी इनकम होती है कि वो उस इनकम से अपनी जो उनकी नेसेसिटीज हैं उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो एबल ही नहीं है अपनी नेसेसिटीज को, वो जैसे हमने कहा कि फूड शेल्टर, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, सो इन सबको वो फुलफिल कर पाए, ये रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो जाए, तो ये एब्सोल्यूट पुअर में आते हैं। क्लियर सबको? रिलेटिव पुअर में, रिलेटिव में हम सिर्फ रिलेटिवली
क्या देखते हैं कि पुअर कौन है और एब्सोल्यूट में जो एक्चुअल में पुअर होते हैं. ओके, सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया, द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन इज यूज एज द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एक्चुअली हम क्या करते हैं इंडिया के अंदर, हम एक पॉवर्टी लाइन को यूज करते हैं एब्सोल्यूट पुअर निकालने के लिए. ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन क्या है, एक मेजर लाइन है, एक मेजर लाइन होती है पॉवर्टी लाइन, जिस इस लाइन के अंडर जो लोग आते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड जो है ना सेटअप कर दिया जाता है इनकम का, और उससे नीचे जो लोग आएंगे, उससे नीचे ब्लो में जो लोग आएंगे वो पुअर में आते हैं, और जो उससे ऊपर आए यानी कि वो लोग हैं जो अपनी जो रूटीन की जो डेली, अगर हम गए कहीं कि दो वक्त की इंसान को रोटी चाहिए जीने के लिए, तो वो भी उनको नहीं मिल रही है. और उस पॉवर्टी लाइन से वो जो स्टैंडर्ड सेटअप किया है, उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर जो लोग हैं वो हमारे पुअर में नहीं आते. ओके, सो एब्सोल्यूट पुअर के लिए हमने क्या किया हुआ है, पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं इसे मेजर करने के लिए. सो व्हाट इज, सो एब्सोल्यूट पुअर इंक्लूड्स दोज पर्संस हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. एब्सोल्यूट पुअर में उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो इस पॉवर्टी लाइन से के बिलो रह रहे हैं. ओके, एंड इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन. इंडिया के अंदर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को किससे एक्सप्लेन करते हैं, पॉवर्टी लाइन से. सो व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट. ओके, कट ऑफ पॉइंट यानी इन टर्म ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर दैट डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर, जो कि लोगों को किस में डिवाइड कर देती है ये पॉवर्टी लाइन, कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर में आते हैं. क्लियर, सो पॉवर्टी लाइन इज अ स्टैंडर्ड सेटअप. ये हमारा एक क्या है, स्टैंडर्ड सेटअप है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है सेटअप किया जाता है टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल एज पुअर एंड नॉन पुअर, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को किस रूप में पुअर और नॉन पुअर के रूप में उसे डिस्क्राइब किया जाता है. क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स. सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडिया के अंदर जो है एक डेटा दिया गया है, ठीक है, एक मेंशन किया गया है कि कौन हमारे, एक स्टैंडर्ड जो सेटअप किया गया है वो स्टैंडर्ड क्या रखा गया है कि कौन उनसे कौन पुअर में आएंगे और कौन नॉन पुअर में आएंगे. सो इन इंडिया पर्संस हु स्पेंड रुपीज 816 ऑन कंजप्शन इन रूरल एरियाज एंड रुपीज 1000 इन अर्बन एरियाज पर मंथ आर ट्रीटेड एज दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन. ओके, यानी कि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या है, वो पर्सन जो कि रूरल एरिया के अंदर अगर वो 816 रुपए कंजप्शन के ऊपर 816 रुपए से कम खर्च कर रहा है, ठीक है, या 816 रुपए स्पेंड कर रहा है, और अर्बन एरिया के अंदर पर मंथ की बात कर रहे हैं, वन डे के नहीं, डे में तो फिर बहुत अच्छे पैसे हुए हैं, वन मंथ की बात कर रहे हैं, पर मंथ अगर अर्बन एरिया में 1000 रुपए स्पेंड कर रहा है, सो और एज दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ठीक है, तो उनको किसमें ट्रीट किया जाएगा, पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन. सो यहाँ पर आपके पास ये डेटा हो गए रूरल एरियाज में रुपीज में 816 एंड अर्बन एरियाज में 1000. ओके, सो नेक्स्ट इसमें कुछ जैसे बेस्ड ऑन द न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, हमने कौन सा सेशन ले रहे हैं, 2011-12, ये हमारा अभी बेस जो बेस ईयर चल रहा है 2011-12. ठीक है, ये स्टार्टिंग से हम बता रही हूँ मैं आपको कि बेस ईयर लेने और हम बेस ईयर क्या होता है हमारा और हम किसे बेस ईयर लेते हैं, ये सब आपको क्लियर किया हुआ है मैंने पहले ही. सो आपके पास जो बेस ईयर है, सो बेस्ड ऑन द न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 21.9%. ओके, यानी यू कैन से एब्सोल्यूट पुअर इन इंडिया इज इक्वल टू 21.9% इन 2011-12. ओके, 2011-12 में हमने जब मेजर किया तो हमारी जो एब्सोल्यूट पुअर जो आए हैं इंडिया के अंदर उसके कितनी परसेंटेज आई है, 21.9%. ये आपका वन मार्क्स में क्वेश्चन जो है बोर्ड में बन जाता है, कई बार आपसे पूछ ले जाता है कि 2011-12 के बेस पर आपके एब्सोल्यूट पुअर में कितनी परसेंटेज है, तो 21.9%. ओके, एंड नेक्स्ट इंडियन कवर्स 50% ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड. आप ये फिर आप खुद ही इस डेटा से आप खुद ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको पूरा तरीके से शो कर रही है कि इंडिया की कैसी सिचुएशंस है.
इंडियन कवर्स 50% ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं ना, उसमें 50% तो कौन कवर कर रहा है? खाली इंडियंस। और पूरे वर्ल्ड में 50% जो एब्सोल्यूट पुअर है वो हमारा खाली इंडिया ही कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप ये डिसाइड, आप ये यहाँ पर ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे इंडिया की कैसे सिचुएशन है पॉवर्टी के मामले में। ओके, सो दोज पीपल हु नेवर लेफ्ट अप देमसेल्व्स फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन, वो लोग जो अपने आप को इस पॉवर्टी लाइन से निकाल नहीं पाते हैं, आर कॉल्ड एज क्रॉनिक पुअर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे जो पॉवर्टी लाइन के मान लो बिलो आ रहे हैं, वो क्या होते हैं कि वो मतलब वो पूरी उम्र इतना नहीं कमा पाते कि वो अपनी उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाए, वो उसी के अंडर चलते रहते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके से ये सिचुएशन चलती रहती है ना, कि जो अपने आप को उस पॉवर्टी लाइन से, उस पॉवर्टी से बाहर नहीं निकाल पाते, तो वो ऐसे पुअर को क्या बोला जाता है? क्रोनिक पुअर। क्लियर? यस। सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन क्या होती है? सो इट रेफर्स टू अ कट ऑफ पॉइंट यूजली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर विच डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉट पुअर। ओके, सो पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ लाइन दैट डिवाइड्स द पीपल एज पुअर एंड नॉन पुअर बेस्ड ऑन द रीजन। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि इफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1500 पर मंथ इज टेकन एज अ कट ऑफ पॉइंट, ओके, एंड देन दोज सर्वाइविंग ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ लेस देन ₹1500, हमने कट ऑफ कितना बना दिया? ₹1500। ठीक है, ये हमने कट ऑफ बना दिया। अब जो लोग मान लो जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो उसके उसके पर मंथ के उसके 1500 से कम है, लेस देन में आते हैं, विल बी टेकन एज पुअर। एंड दोज मेकिंग अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन ₹1500 विल बी टेकन एज नॉन पुअर, उनको हम किस में लेंगे? नॉन पुअर में लेंगे। ओके, सो अंडर दिस बेस, जो हमने ये कहा, अंडर दिस बेस इज सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिवाइडिंग द पुअर एंड द बेस मे बी इनकम और एक्सपेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास, जो टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है कि जो हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, पुअर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर जो बेस लेना है, हम किस बेस पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉवर्टी को या पुअर को? हम इनकम के बेस पर भी ले सकते हैं कि इनकम को बेस ले लें, इनकम देखें, उसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर में आते हैं। या हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेंसेस, खर्चे जो करते हैं, एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर इट मीन्स कंजप्शन, कंजप्शन के अकॉर्डिंग और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं? पुअर और नॉन पुअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? सो हमारे पास दो तरीके के बेस हो सकते हैं, एक तो इनकम, इनकम के बेस के ऊपर हम डिफाइन करें, और दूसरा एक्सपेंसेस या कंजप्शन के बेस के ऊपर हम उसको एक्सप्लेन करें। ओके, सो व्हाट शुड बी द बेस फॉर डिटरमिन द पॉवर्टी लाइन? या शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटर्मिन इन द टर्म ऑफ इनकम और इन टर्म ऑफ कंजप्शन? ये आपके टॉपिक है, हम कहें व्हाट शुड बी द बेस फॉर डिटर्मिन द पॉवर्टी लाइन, क्या बेस होना चाहिए? ठीक है, पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन करने के लिए, उसे निकालने के लिए क्या बेस होना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं, हमें इनकम के बेस पर निकालना चाहिए या हमें कंजप्शन के बेस पर पुअर या नॉन पुअर को डिस्क्राइब करना चाहिए? आपको क्या लगता है, हमें किस बेस के ऊपर निकालना चाहिए, इनकम या कंजप्शन? कंजप्शन के बेस पर। कंजप्शन के बेस पर अगर हम पुअर को या नॉन पुअर को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो बेटर है कंपैरेटिवली इनकम के बेस पर। ठीक है, अब आप देखिए किस तरीके से बेटर है ये। ओके, सो फॉर डिटरमिनिंग द पॉवर्टी लाइन देर आर टू बेसिस, वन इज इनकम एंड अनदर इज कंजप्शन, ठीक है, दैट इज एक्सपेंसेस। ओके, सो बट वन शुड ऑप्ट फॉर कंजप्शन, हमें एक ही लेना है कंजप्शन के लिए। ठीक है, हम एक लेते हैं ऑप्शन, तो वो ऑप्शन हम क्या लेंगे? कंजप्शन का ऑप्शन लेंगे। ओके, सो कंजप्शन का ऑप्शन क्यों लेते हैं? कंजप्शन डिस्क्राइब द एक्चुअल यूसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल, क्योंकि कंजप्शन जो होती है वो एक्चुअल में एक इंडिविजुअल की जो गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम करता है, उसकी यूसेज जो है उसको ये एक्चुअल में डिस्क्राइब करेगी।
ठीक है, जबकि इनकम है, आप इनकम तो एक बार आपको आ गई, अब उसमें एक्चुअल ये नहीं पता कि वो कैसे, देखो आप जब इनकम मिलती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आप एक तो एकदम से आपको डाटा भी नहीं मिलते, उसके डाटा भी बहुत मुश्किल होते हैं कलेक्ट करना अगर इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन कंजप्शन जो होती है, जब आप कंजप्शन करोगे तो आपके पास क्या होते हैं पता होता है कि हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या किया है, कंज्यूम किया है। सो कंजप्शन जो होती है ना वो एक्चुअल में हमें ये बताती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को का यूसेज कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, एंड इट शोज व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग। साथ ही ये हमें ये भी शो करेगा कि एक कंज्यूमर जो है ना वो किस टाइप के गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, ओके किस टाइप के गुड्स हैं। सो डाटा इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। साथ ही जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके एकदम से आपको उसके डाटा अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कंजप्शन जब हम करते हैं तो उसके डाटा हमें इजली जो है अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन एकदम से आपको इनकम का, इनकम जैसे मिल गई अब वो बाद में खर्च करेगा, जो भी कंजप्शन करेगा तो वो बाद में हमें पता चलता है। लेकिन इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कंजप्शन जो होता है ना वो बेटर देन किससे है, इनकम से, बेस के मामले में, कि अगर हम पूर्व या नॉन पूर्व में उसको डिस्क्राइब करें। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ पॉवर्टी इज फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉवर्टी को कैसे फिक्स किया जाता है, अब ये आपके पास बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। सो सम प्रोसीजर डिटेल, कुछ प्रोसीजर है आपके पास जिसके जरिए से हमें ये, आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग जो है फिक्स करते हैं पॉवर्टी को। यस, फर्स्ट है ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंसेस आर टू बी इंक्लूडेड। हम सिर्फ जो हमारे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं सिर्फ हम उनको इंक्लूड करते हैं, जो गवर्नमेंट के कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ओके, ये आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखना है, ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो उसमें क्या होगा, जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है बोथ फूड एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स, इसमें आपकी फूड आइटम्स भी आ जाती है और नॉन फूड आइटम्स आर इन्वॉल्व, दोनों की दोनों आइटम, चाहे वो फूड आइटम्स है चाहे नॉन फूड आइटम्स है, वो दोनों इसमें इंक्लूड होंगी, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी हम ले रहे हैं, चाहे वो फूड कंजप्शन पे कर रहे हैं या नॉन फूड गुड्स पर जो है वो कंजप्शन कर रहे हैं, वो सब इंक्लूडेड होंगी। सो फॉर फूड आइटम्स पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज, अगर हम फूड के लिए देखते हैं, ठीक है फूड की कंजप्शन देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या लेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, कैलोरीज की फॉर्म में, ठीक है, कि उसने मतलब कि एक जो है ना पर कैपिटा यानी कि जो इंडिविजुअल एक व्यक्ति है उसको कितनी कैलोरी वो कंज्यूम कर रहा है, अगर फूड को साथ मेजर करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं दोनों चीजें इंक्लूड करेंगे, प्राइवेट के फूड भी और नॉन फूड आइटम्स भी। फूड आइटम्स को जब हम मेजर किस फॉर्म में करते हैं, कैलोरीज की फॉर्म में करते हैं। क्लियर? तो हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल पर कैपिटा कंजप्शन जो है वो कैलोरीज की कितनी है आर टेकन एज बेस, यानी हमने कैलोरीज को क्या लिया, बेस के रूप में ले लिया, किसके अंदर, फूड के अंदर, ठीक है फूड कंजप्शन में। एंड क्लास इंटरवल्स आर आल्सो फॉर्मड अकॉर्डिंग टू लेवल, अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो क्लास इंटरवल्स आर आल्सो फॉर्मड अकॉर्डिंग टू लेवल। क्लास इंटरवल कैसे, जैसे हमने बनाया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे हमने एज बना ली, क्लास इंटरवल बना लिए, 0 to 10 की एज, 10 to 20 की एज, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे हमने एक क्लास इंटरवल बना लिया, ठीक है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, कि 0 to 10 की जो एज के हैं उनको कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है उसके बाद 10 to 20 की एज में उनको कितनी कैलोरीज जो है उनकी होनी चाहिए, ठीक है, और जो वो पोर में ना आए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान लें कि मान लो हम 10 to 20 में ले, या 0 to 10 में ले, या 10 to 15 का अगर बनाए, हम ये कहें कि 1500 कैलोरीज जो है वो 10 to 15 की जो क्लास इंटरवल है इससे इसके जो बच्चे हैं उनको इतनी कैलोरीज जो है सफिशेंट है। ओके, तो हम इस तरीके से एक स्टैंडर्ड हमने बना लिया, हमने क्लास इंटरवल में उनको डिवाइड कर लिया। क्लियर सबको? ओके, देन फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल्स। अब फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की जाती है, फ्रीक्वेंसीज क्या, अब हम मान लो एक क्या है, एक एरिया है, उस एरिया में जितने भी, जैसे हमने एज क्लास इंटरवल बनाया, हमने हमने देखा 0 to 10 की जो एज है उसमें हम देखेंगे कि वहां पर कितने रह रहे हैं, तो
ठीक है, कितने बच्चे हैं उसमें, 0 to 10 के टोटल, और उसमें से जो हमने बनाया क्राइटेरिया कैलोरीज का कि कितने उसमें कंज्यूम कर रहे हैं उतनी कैलोरी, कितने नहीं कर रहे हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी बन गई कि हमने कहा कि 6 स्टूडेंट्स हैं जो इतनी कैलोरी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इतने 1500 की कैलोरी मान लो वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, 6 की, मतलब टोटल 10 थे, 10 में से 6 वो हैं जो उसके अंडर हैं, 4 इतने हैं जो उसी के वो उतनी ले रहे हैं, तो हमारे को फ्रिक्वेंसीज मिल गई जिसमें हमने ये, हमें ये पता चल गया कि कितनी कैलोरी में आ रहे हैं उस वाले उसमें स्टैंडर्ड में आ रहे हैं जो हमने किया है सेटअप, और कितने उसमें नहीं आ रहे हैं। क्लियर हो गए सबको? सो नेक्स्ट, फाइनली हेड काउंट इज वर्कड आउट फॉर द शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर। ऐसे ही हम हर एक इस ग्रुप का बना लेंगे और उसके बाद हम हेड काउंट करेंगे, हेड काउंट इज, ठीक है, फाइनली क्या होगा, हेड काउंट इज वर्कड आउट, और जिससे हमें क्या शो करेगा कि पुअर एंड नॉन पुअर के कितने हमारे टोटल पुअर में आ गए, कैटेगरी में कितने हमारे नॉन पुअर कैटेगरीज के अंदर आ गए। क्लियर सबको? सो फाइनली जो हम कैलोरीज की बात करें तो रूरल एरियाज में जो कैलोरीज डिसाइड की गई है वो है 2435। ये आपके पास वो डेटा है जो आपके पास बोर्ड में पूछ लिया जाता है, चाहे आपका अर्बन एरिया का पूछ लिया जाए, कई बार ऐसा होता है केवल अर्बन एरिया का पूछ लिया जाता है या आपका रूरल एरियाज का पूछ लिया जाता है, दोनों का भी, ठीक है। सो रूरल एरियाज में कैलोरीज जो सेटअप की गई है 2435 कैलोरीज एंड अर्बन एरियाज में 2045। क्लियर? सो फिक्सेशन ऑफ कैलोरीज नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड, एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435 एंड 2045 रिस्पेक्टिवली फॉर द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। इट इज हायर इन द केस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, किस लिए बताओगे आप? क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादा है ना कैलोरी डिसाइड की गई है, क्योंकि वहां पर उनका फिजिकल वर्क होता है, रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं और अर्बन एरिया में लोग का क्या वर्क होता है, मेंटली वर्क होता है। ओके, सो जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको कैलोरीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और जो मेंटली वर्क करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है, उनकी नीड कम होती है, तो इसीलिए जो है रूरल एरियाज के अंदर जो कैलोरीज हैं वो ज्यादा फिक्स की जाती है। ओके, सो बिकॉज हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी हायर इन द रूरल एरियाज। ओके स्टूडेंट्स, सो यस, टुमोरो वी विल स्टडी द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, नंबर्स एंड परसेंटेज ऑफ द पुअर्स। Okay, so that's all for today. Have a good day.